नमस्ते एंड वेलकम टू रेसिपी सागा। मैं हूँ स्वाति और आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ लेमन चिकन, जो एक बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी नॉनवेज रेसिपी है। ये रेसिपी बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले काजू और मग्स को भिगोने के लिए रख देते हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में डाल लेते हैं। मैंने लगभग 500 ग्राम चिकन लिया है। अब चिकन में ऐड करें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, आधी छोटी चम्मच नमक, काजू और मग्ज का पेस्ट, एक कप फेंटा हुआ दही। सबको अच्छे से मिक्स करें। और इसमें डालें अब 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करके कम से कम आधा घंटे तक मैरिनेट करने के लिए रख दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी इसे बना सकते हैं। इसे मैं ढककर आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। अब एक पैन लें। पैन में डालें 1.5 टेबलस्पून घी। घी को गर्म होने पर डालें बारीक कटा लहसुन, 3 से 4 कटी हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच अदरक, 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने मैरिनेट करते टाइम भी नमक ऐड किया है। 1 मिनट सबको पकाएं। चिकन को भी मैरिनेट करें, आधा घंटा हो गया है। अब चिकन को पैन में डालें। चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करें। अभी मैंने इसमें हल्दी ऐड नहीं की है। चिकन में हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें ऐड करें 1/2 टीस्पून हल्दी और अच्छे से मिक्स करें। ढक्कन बंद करके इसे पकाएं। इसमें अब डालें 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून नींबू का रस। सबको अच्छे से मिक्स करें और ढक्कन बंद करके पकाएं। चिकन लगभग पककर तैयार है। अब इसमें ऐड करें 1/2 कप फ्रेश क्रीम
और 2 से 3 मिनट तक पकाएं। लेमन चिकन बनकर तैयार है। अब आप इसे प्लेन परांठा या रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।